नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के उषा नगर स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर न्यास के अध्यक्ष राजकुमार राठौर ने बताया कि मंदिर प्रांगण में शरद पूर्णिमा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम श्री महालक्ष्मी जी की आरती हुई, तत्पश्चात किरण मोरे जी ने लक्ष्मी स्रोत का पाठ किया। उसके बाद कामायनी ग्रुप ने चांदी रात में दीपक गरबा किया। तत्पश्चात बबीता ठाकुर और रंजना जोशी ग्रुप ने राजस्थानी गरबे की प्रस्तुति दी। उसके बाद मानवीय उत्थान फाउंडेशन के ग्रुप लीडर शीतल श्याम शर्मा ने अपने साथियों के साथ गुजराती गरबा की प्रस्तुति दी। इस तरह तीनों ग्रुप ने मिलकर महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, बुजुर्गों की अलग कई मनमोहक थिरकन वाली प्रस्तुतियां दी। ओपन गरबे के तहत मंदिर में उपस्थित प्रत्येक सदस्य ने गरबा करते हुए मां की आराधना की। कार्यक्रम के चलते गिरधर शर्मा परिवार की ओर से खीर प्रसाद चलता रहा। किरण मौर्य परिवार की ओर से चने की बर्फी व पकौड़ों का प्रसाद लगातार चलता रहा। कार्यक्रम में कांग्रेस बीजेपी के नेता सहित कई पत्रकारों ने भी गरबा रास और प्रसादी का आनंद लिया। श्री महालक्ष्मी मंदिर न्यास की ओर से गरबा करने वाली सभी महिलाओं को स्टील के डब्बे शकुंतला राठौर व राधा शर्मा के कर कमलों द्वारा आशीर्वाद के साथ उपहार स्वरूप दिए गए। कार्यक्रम में कैलाश तोनी, महेश तोतला, मोहन राठौर, गोविंद बुतरा, श्याम्भाव शिंदे, राम शर्मा, राजेश जोशी सहित उषानगर के कई महिला पुरुषों ने तन मन से कार्यक्रम में भाग लिया और सहयोग किया। अंत में मां अंबेजी की आरती से शरदोत्सव के गरिमापूर्ण कार्यक्रम का समापन हुआ।